उधर कतर में पहले क्रूज जहाज की समीक्षा की गई। बताया गया कि फीफा वर्ल्ड कप के दौरान वहां अन्य देशों के आने वाले समर्थकों के ठहरने के लिए जगह नहीं है, इसीलिए उनके लिए व्यवस्था करने क्रूज जहाज मंगाए गए, जिसमें एक हज दोहा पहुंच चुका है। जिनेवा स्थित एमएससी क्रूज ने 20 नवंबर को विश्व कप शुरू होने से केवल 6 सप्ताह पहले समझौते की घोषणा की। एमएससी ओपेरा 19 नवंबर से 19 दिसंबर तक उपलब्ध होगा। एमएससी ने पहले 2019 में कतर सरकार के साथ 2 जहाजों को फ्लोटिंग होटल के रूप में लगभग 4000 कैबिन देने का समझौता किया था, जिसमें करीब 10 लाख लोग रुक सकते हैं। और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, इसराइल ने सीरिया में हवाई हमला किया। बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जिसमें 2 सैनिकों की मौत हो गई है, 3 घायल बताए जा रहे हैं। इसराइल ने ये हमला सीरिया के होम्स प्रांत के शायरात सैन्य हवाई अड्डे पर किया है। बड़ी खबर इस वक्त की। ये अपने गांव से ही बिजनेस करके 100 करोड़ से भी ज्यादा का बिजनेस करते हैं, क्या आपको भी गांव से ही बिजनेस करना है? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। आपको बता रहे हैं, इसराइल का सीरिया में मिसाइल हमला, जिसमें 2 सैनिकों की मौत की जानकारी है और 3 लोग घायल हुए हैं। इसराइल लगातार इस बात की धमकी दे रहा था कि सीरिया पर वो कभी भी हवाई हमला कर सकता है, और इसी बीच देर रात की ये तस्वीरें, जहां अंधेरे का फायदा उठाकर इसराइल ने सीरिया पर हमला किया।